तो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कार पुस्तिका वाटिका। ये कक्षा 5 की हिंदी की पुस्तक है। तो इसमें आज हम लोग पाठ जो है 11 देखेंगे, मैं और हाकी। इसके पहले हम वीडियो में पाठ 1 से 10 तक के सभी पाठ की कार पुस्तिका के हल देख चुके हैं। तो आज ये हमारी हिंदी कार पुस्तिका की 11वीं वीडियो है, मैं और हाकी। तो इसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि हमारा राष्ट्रीय खेल क्या है, इस खेल के विषय में अपनी जानकारी साझा करें। तो इसमें हम जानते हैं कि हमारा राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी है। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है। अब हॉकी के विषय में हम जो भी जानते हैं, जो भी हमारे पास जानकारी है, हम उसको लिख सकते हैं। यहाँ पे हम कुछ जानकारी दे रहे हैं। हॉकी खेल में 2 टीमें होती हैं और दोनों टीमों में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। ध्यानचंद हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। भारत हॉकी के क्षेत्र में कई सालों तक विश्व विजेता रह चुका है। अब इसके आगे देखेंगे ये प्रश्न संख्या 2। शुद्ध वर्तनी के सम्मुख बने गोले में सही का निशान लगाना है। तो हम इसको पहले पढ़ते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। नंबर 1 में लिखा हुआ कि प्रतियोगिता। तो हमने देखा कि ये हमारा सही है, प्रतियोगिता। इसके बाद अगला प्रश्न इसमें खा दिया गया है। ये अंतर्राष्ट्रीय को एक अंतर्राष्ट्रीय दिया है, फिर अंतर्राष्ट्रीय दिया है, अंतर्राष्ट्रीय, ये कई तरह से लिखा गया है। तो इसमें शुद्ध जो है ये अंतर्राष्ट्रीय यानी दूसरा ऑप्शन इसमें सही है। इसमें हम सही का निशान लगा देंगे। इसके बाद आगे आते हैं प्रश्न संख्या 10 पे। अब इसमें सुप्रसिद्ध को हमें शुद्ध रूप में लिखना है। तो ये सुप्रसिद्ध हमारा सुप्रसिद्ध लिखा है, फिर सुप्रसिद्ध लिखा है, फिर सुप्रसिद्ध लिखा है। तो हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके आगे हम चौथे के सामने हम सही का निशान लगा देंगे। इसके बाद अगला प्रश्न इसी में दिया गया है कि निम्नलिखित देशों का उनकी राजधानी के साथ मिलान करें। तो ये देश दिए गए हैं और उनकी राजधानियां हैं। जैसे नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, इंग्लैंड की राजधानी लंदन है और फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है और डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। इसके बाद अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 4। दिए गए विकल्पों के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ विकल्प में कुछ खिलाड़ियों के नाम दिए गए हैं, जैसे मेजर ध्यानचंद, सचिन तेंदुलकर, पीटी उषा, मिल्खा सिंह और राहुल द्रविड़, शोएब अख्तर। तो ये सब नाम खिलाड़ियों के दिए गए हैं। इनसे संबंधित जो वाक्य दिया गया है उसमें हमें इनके नाम लिखने हैं। तो पहला प्रश्न में दिया, पहला जवाब दिया है कि क्रिकेट का मास्टर ब्लास्टर डॉट 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 को कहते हैं। किसको कहते हैं? क्रिकेट का मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को कहते हैं। तो इसमें हम सचिन तेंदुलकर लिख देंगे। आगे आता है प्रश्न संख्या 2। भारतीय धावक जिन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है उसको क्या कहते हैं? मिल्खा सिंह कहते हैं। मिल्खा सिंह को जो है हम फ्लाइंग सिख के नाम से भी जानते हैं और ये भारतीय धावक है। इसके बाद अगला आता है कि भारतीय महिला धावक जिन्हें उड़न पड़ी कहते हैं। तो उड़न पड़ी हमें धावक में, महिला में उड़न पड़ी किसे कहते हैं? पीटी उषा को कहते हैं। तो यहाँ पर हम यहीं से पीटी उषा लिख देंगे। आगे आता है चौथा, इसमें वाक्य दिया गया है कि भारतीय क्रिकेट टीम में द वाल नाम से प्रसिद्ध खिलाड़ी, तो द वाल नाम से प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन है? राहुल द्रविड़ है, ये क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। आगे आता है कि नंबर 5 में है डॉट 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 रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से प्रसिद्ध है। तो शोएब अख्तर जो है रावलपिंडी के नाम से प्रसिद्ध हैं, रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो हम यहाँ से शोएब अख्तर जो दिया गया है, शोएब अख्तर हम यहाँ पे लिख देंगे। आगे आता है कि डॉट 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 हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध हैं, जैसा कि हमने प्रश्न संख्या 1 में इनके विषय में लिखा भी है। अब इसी के आगे देखते हैं, ये प्रश्न संख्या 5 है कि निम्नलिखित पहेली में खेलों के नाम छिपे हैं, उन्हें ढूंढकर लिखिए। ये एक पहेली दिया गया है, पजल दिया गया है। अब इसमें हमें जो है खेलों के नाम ढूंढने हैं। तो जैसे क्री, क्री से क्या होता है? क्रिकेट होता है, यहाँ पे हम क्रिकेट लिख देंगे।
उसी तरह से फुट है तो फुटबॉल लिख दिया, बे है तो बेसबॉल लिख दिया, गो है तो गोल्फ लिख दिया। इस तरह से हम इसमें जो भी आ रहे हैं, जैसे हमने रग्बी फुटबॉल लिख दिया, और इसमें आता है कबड्डी आता है, मुक्केबाजी आता है, तो लूडो है और शतरंज है, मुक्केबाजी है, खो खो है, और भी जो हमें खेल इसमें से पता चलते हैं उनको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब आगे आता है, अगला प्रश्न दिया गया है कि सही जोड़े मिलाइए। तो सही जोड़े देखा जाए, इसमें जो है पहला दिया गया है बाघ। बाघ क्या है, हमारा राष्ट्रीय पशु है, तो बाघ को हम राष्ट्रीय पशु से मिला देंगे। इसके बाद मोर राष्ट्रीय पक्षी है, तो इसको हम राष्ट्रीय पक्षी से मिला देंगे। तिरंगा, तिरंगा क्या है, राष्ट्रीय ध्वज है, तो इसको हम राष्ट्रीय ध्वज से मिला देंगे। इसके बाद आता है अशोक चिन्ह, अशोक चिन्ह क्या है, राष्ट्रीय प्रतीक है, तो इसको हम राष्ट्रीय प्रतीक से मिलान कर देंगे। इसके बाद आता है कमल, कमल राष्ट्रीय फूल है, तो राष्ट्रीय फूल से इसको मिला देंगे। अगला आता है हॉकी, हॉकी क्या है, राष्ट्रीय खेल है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।